नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। भारत में कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं इस धरती से स्वयं ही प्रकट हुई, या कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी हैं जिनको मंदिर में स्थापित करने के लिए देवी देवताओं ने स्वयं स्वपन में आकर जानकारी प्रदान की। ऐसा ही सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी का एक मंदिर राजस्थान के स्वाई माधोपुर जिले में है, जो विश्व का एकमात्र मंदिर है जिसमें श्री गणेश अपने परिवार सहित विराजमान है। इतना ही नहीं, सदियों पहले स्थापित किए गए इस मंदिर में भगवान श्री राम ने लंका कूच करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन कर विजय का आशीर्वाद हासिल किया था। आइए आपको इस पावन व प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी प्रदान करें। कहां स्थित है त्रिनेत्र गणेश मंदिर? मंदिर में स्वयंभू प्रकट होने वाली भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं वाले मंदिर में राजस्थान के स्वाई माधोपुर जिले में विश्व धरोहर के तौर पर चयनित अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के मध्य स्थित रणथंभौर दुर्ग में विश्व का इकलौता त्रिनेत्र मंदिर है। भारत में 4 स्वयंभू श्री गणेश मंदिर माने जाते हैं। रणथंभौर के अलावा गुजरात में सिद्धपुर गणेश मंदिर, उज्जैन में अवंतिका गणेश मंदिर, मध्य प्रदेश में सिद्धपुर सीहोर मंदिर प्रमुख हैं। रणथंभौर का यह मंदिर प्रकृति व आस्था का अनूठा संगम है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित भगवान गणेश की प्रतिमा स्वयंभू है। इस मंदिर में भगवान श्री गणेश जी त्रिनेत्र रूप में विराजमान हैं। भगवान श्री गणेश की इस प्रतिमा, जिसमें तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, रणथंभौर के मंदिर में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए लगभग 1579 फीट ऊंचाई तक जाना पड़ता है। भगवान श्री गणेश अपने परिवार सहित हैं विराजमान। रणथंभौर स्थित इस त्रिनेत्र मंदिर में भगवान श्री गणेश अपने परिवार सहित विराजमान हैं। यह मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर है जहां पर सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि व अपने दोनों पुत्रों शुभ और लाभ के साथ विराजमान हैं। किंवदंती है कि महाराजा विक्रमादित्य प्रत्येक बुधवार उज्जैन से चलकर रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन हेतु जाते थे। उन्होंने ही सिद्धपुर सीहोर में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्वप्न में मिली जानकारी के बाद स्थापित करवाया था। भगवान श्री राम ने भी की थी इस प्रतिमा की पूजा। 1299-1301 ईस्वी में महाराजा हमीर देव चौहान व दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। खिलजी ने रणथंभौर के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। 9 माह से अधिक समय तक दुर्ग के चारों तरफ खिलजी की सेना डटी रही। दुर्ग के घिरे होने के कारण किले में खाद्य सामग्री की कमी आ गई। तब राजा चौहान को स्वप्न में श्री गणेश जी ने दर्शन देकर कहा कि मेरी पूजा करो, तुम्हें चिंता मुक्त कर दूंगा। राजा ने श्री गणेश द्वारा बताए स्थान पर मूर्ति की पूजा की। तब से यह मंदिर किले में स्थापित है। मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है, उस भगवान की प्रतिमा की पूजा भगवान श्री राम ने लंका कूच करने से पहले की थी। त्रेता युग में भगवान श्री गणेश जी की यह प्रतिमा रणथंभौर में स्वयंभू रूप में स्थापित हुई और फिर लुप्त हो गई थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार, जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था, तब भगवान कृष्ण गलती से भगवान गणेश जी को बुलाना भूल गए, जिससे भगवान श्री गणेश नाराज हो गए। उन्होंने अपने वाहन मूषक को आदेश दिया कि वह विशाल चूहों की सेना के साथ जाकर श्री कृष्ण के रथ के आगे संपूर्ण धरती में बिल खोद दें। इस प्रकार भगवान कृष्ण का रथ धरती में ही धस गया। मूषकों के बताने पर भगवान श्री कृष्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह खुद रणथंभौर स्थित भगवान गणेश को लेने गए। तब जाकर श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। तब से भगवान गणेश को विवाह व मांगलिक कार्यों में प्रथम आमंत्रित किया जाता है। रणथंभौर गणेश को भारत का प्रथम गणेश मंदिर भी कहा जाता है। भगवान शिव के अलावा भगवान गणेश के पास भी त्रिनेत्र। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी दुनिया के एकमात्र गणेश हैं जो तीसरा नेत्र धारण किए हुए हैं। देवी देवताओं में देवों के देव महादेव भगवान शिव के पास ही त्रिनेत्र हैं। लोक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र का उत्तराधिकारी अपने सुपुत्र गणेश को बनाया था। इसी कारण महादेव की सारी शक्तियां गजानन में समाहित हैं। रणथंभौर में स्थित भगवान त्रिनेत्र गणेश का श्रृंगार भी खास तरह से किया जाता है। आम दिनों में श्रृंगार चांदी के वर्क से किया जाता है, जबकि गणेश चतुर्थी पर भगवान का श्रृंगार स्वर्ण के वर्क से होता है। यह वर्क मुंबई से खास तौर से मंगवाया जाता है। भगवान त्रिनेत्र गणेश जी की पोशाक जयपुर में तैयार करवाई जाती है। भगवान त्रिनेत्र गणेश की प्रतिदिन 5 आरतियाँ की जाती हैं। पहली आरती सुबह 7:30 बजे, दूसरी आरती 9 बजे की जाती है। इस आरती को भगवान गणपति की श्रृंगार आरती कहते हैं। तीसरी आरती दोपहर 12 बजे की जाती है। यह आरती भगवान की भोग आरती कहलाती है। चौथी आरती संध्या समय की प्रार्थना के बाद होती है।
पांचवी आरती रात्रि 8 बजे होती है, जिसे भगवान गणपति की शयन आरती कहा जाता है। गणेश चतुर्थी को त्रिनेत्र गणेश जी की आरती व अभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सुबह 4 बजे मंगला आरती व अभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।